दुनिया की सबसे अमीर टी20 लीग आईपीएल के 14वें सीजन का दूसरा मुकाबला 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होगी। दिल्ली ने पिछले सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया था, खिताबी मुकाबले में उसे मुंबई से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं चेन्नई सुपर किंग की कमान महेंद्र सिंह धोनी संभाल रहे हैं, जबकि दिल्ली की कप्तानी युवा विकेटकीपर बल्लेबाज सपंत करेंगे। दिल्ली कैपिटल की टीम पिछले सीजन की कसर निकालना चाहेगी, जब वे फाइनल में पहुंचकर खिताब से चूक गई थी। इस बार पहला ही मुकाबला धोनी की टीम से है। पद की तुलना में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी से यहाँ पर इसकी कल्पना होती है, मतलब पंत की तुलना पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी से यहाँ पर होती थी। ऐसे में देखना होगा कि उनकी टीम के खिलाफ किस रणनीति और प्लेइंग 11 के साथ यहाँ पर सपंत उतरते हैं। वह अनुभवी शिखर धवन दिल्ली की टीम के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे, युवा पृथ्वी शाह उनके साथ देंगे। वहीं स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर यहां पर बैटिंग करने आ सकते हैं। वहीं प्रेशर यहां पर उमेश यादव को कमाल भी यहां पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर स्पिनर रविचंद्र अश्विन भी इस मैच में नजर आएंगे। वहीं दिल्ली की टीम को अपने मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। दो उनके जो बॉलर है रबाड़ा और यहाँ पर नूरकिया, ये दोनों नहीं करेंगे। हालांकि टीम के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनकी कमी फिलहाल यहाँ पर टीम को महसूस नहीं होगी। वही दिल्ली की संभावित 11 की बात करें तो दिल्ली की संभावित 11 में पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, मार्क स्टोनाइस और सिमरन हिटमायर और क्रिस बॉक्स और रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा इस टीम में हो सकते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2020 में अपना सफर 7वें स्थान पर खत्म किया था। हालांकि सीजन में चेन्नई सुपर किंग से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि उसने कुछ खिलाड़ियों को ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने का दम रखते हैं। आईपीएल 2021 के पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग बहुत ही अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। सीजन में उसके पास सूर्य सेना होंगे और टीम ने मोइन अली और कृष्णतम गौतम जैसे दो अच्छे ऑलराउंडर भी यहां पर शामिल किए हैं। तो ये आपको बताते हैं कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग की जो प्लेइंग 11 है, संभावित 11 खिलाड़ियों की सूची है, इसमें कौन कौन खिलाड़ी उतर सकते हैं। चेन्नई ने पिछले सीजन में बतौर ओपनर सैम कुरन को भी मौका दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ भी यहाँ पर उनको यहाँ पर खिलाया था, लेकिन इस बार धोनी अलग रणनीति के साथ खेल सकते हैं। बुक डुप्लेसी के साथ टीम ऑलराउंडर मोइन अली को बतौर ओपनर उतार सकती है। भाई बाएं हाथ के यह बल्लेबाज वैसे तो छठे में 7वें नंबर पर खेलने आता है, लेकिन इंग्लिश काउंटी में मोइन अली टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी यहां पर करते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग अगर मोइन अली को बतौर ओपनर उतारती है तो वह यहां पर बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन बना सकती है। वहीं सुरेश रैना और अंबाती रायडू के ऊपर मिडिल ऑर्डर का यहाँ पर संभावित मतलब उनके ऊपर मिडिल ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी उनके पास होगी। वहीं कप्तान धोनी 5वें नंबर पर उतर सकते हैं। इसके बाद जडेजा और सैम कुरन टीम को और मजबूती देंगे। अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उनके पास डेविन ब्रावो और कृष्णतम गौतम जैसे खिलाड़ी है। भाई दीपक चाहर और साधु ठाकुर पर भी तेज गेंदबाजी का चेन्नई के पास यहाँ पर ये इनकी जिम्मेदारी इनके पास होगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो मोइन अली, डुप्लेसी, अंबेतुर रायडू और सुरेश रैना, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम कुरन, कृष्णतम गौतम, डेविन ब्रावो, साधु ठाकुर और दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग की संभावित 11 में हो सकते हैं।